तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग तो देख ही लिया होगा, जिसमें हम जा रहे थे खारदुंगला, बट अनफॉर्चुनेटली एक व्हीकल के डॉक्यूमेंट की वजह से हमको वो करना पड़ा कैंसिल। सो वी वेंट डायरेक्टली टू द पेंगोंग लेक। और ये देखिए भाई, सम सीरियस ऑफ रोड। अभी पेंगोंग लेक से पहले हम जाएंगे कहाँ, चांगला पास। तो देखिए नज़ारे सामने, व्यू देखो। तो भाई अभी हम जैसे कि चांगला के लिए निकल रहे हैं, तो पहले हमारा डेस्टिनेशन आएगा चांगला, और चांगला के ऊपर हम पहुंचने के बाद वहां से हम नीचे के लिए उतरेंगे टू द ऑन द वे टू द पेंगोंग। अभी तो स्टार्टिंग में तो जैसे करूँ से हम ऊपर चले तो रास्ता काफ़ी ठीक था, बट अब रास्ते का लेवल हो रहा है खतरनाक की तरीके से चेंज। भाई पूरा पीछे ने ट्रैक्शन लूज कर दिया था, रोड रिस्की होता जा रहा है अब। तो भाई देख, आपको पता ही है, देखो रोड की कंडीशन है जो इसमें टार में, और अभी रोड का काम चल रहा है। मे भी आने वाले एक दो सालों में रोड पूरी तरीके से अच्छी हो जाए, बट अभी के हिसाब से तो काफ़ी रोड के बहुत बुरे हाल हैं यहाँ पर। और तब जो ऑफ रोड ही मिलेगा आपको ऑलमोस्ट यहाँ से करूँ से पूरा पेंगोंग बीच में, शायद कुछ किलोमीटर आपको मिलेगा टारमैक का रोड, बट अपकमिंग ईयर्स में मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि सब ठीक हो जाएगा। बट अभी इट्स वेरी रिस्की ना, आप देख सकते हैं साइड में ना तो कोई वो क्या बोलते हैं रेलिंग है, ना कोई लाइक स्टोन के वो लाइक ब्लॉक होते हैं कंक्रीट के। और यहाँ पे ये पैराफिट लगना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, तो अच्छी बात है यार, प्रोटेक्शन थोड़ा सेफ्टी मेजर्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे, सेफ्टी मेजर्स। ऊपर देखो सामने बर्फ ही बर्फ, बस चलते जाओ चलते जाओ, रुकने का नहीं, ठकने का नहीं, रुकने का नहीं, झुकने का नहीं। और एक तो 390 है जो इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी स्टिफ है, तो जितने भी छोटे से भी माइनर से भी पॉट होल वगैरह आ रहे हैं सब फील हो रहे हैं, इट्स क्वाइट अनकम्फर्टेबल टू राइड 390 ऑन ऑफ रोड बिकॉज ऑफ इट्स। बीच बीच में कहीं आपको गार्ड्स मिलेंगे लाइक रोड के साइड में, और अभी भी लाइक जो ये दिख रही है आपको रिवर क्रॉसिंग के लिए, जो पानी के लिए अंडर वाटर फ्लो के लिए जो बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन भाई पूरी अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारी जो लद्दाख में जो भी हो गवर्नमेंट है काफ़ी बढ़िया काम करा रही है, और बड़ी तेज़ी से अपना फ्ला जो भी है हाईवे बनता ही जा रहा है, बट अभी भी बीच बीच में लाइक टू वे तो रोड नहीं होगी, बन गई है। बाकी तो फेलो राइडर्स और जा रहे हैं पेंगोंग के और इनको छोड़ेंगे पीछे। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि ज़्यादातर बाइकें, आपने भी वीडियोस में देखा ही होगा कि रॉयल एनफील्ड की ज़्यादा बाइकें या तो लोकली लोग भी उसको रेंट पे देते हैं और लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब सब सब का अपना लॉजिक है, बट KTMs बहुत कम देखने को मिली। और हमारे ईथन भाई हैं हमारे जो RC में, तो RC में काफ़ी हो रही डिफ़िकल्टी चलाने में, क्योंकि आपको पता है इट्स अ रेस कंपटीशन बाइक और सुपर स्पोर्ट बाइक है, और उसका सिटिंग पोस्चर यार बहुत ही अग्रेसिव है। तो भाई ऐसा उल्टा सीधा चल रहे हैं ड्राइवर, चले फेंक देंगे भी नीचे एक हाथ को, हाइट बढ़ती जा रही है। तो 50 किलोमीटर बाद भी रुकेंगे, और अभी जो हम एक स्टॉप ओवर लेंगे बताया आपको 50 किलोमीटर के आसपास, और चांगला भी 70-80 किलोमीटर है यहाँ से, तो अभी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों। अब जाके थोड़ा रोड का पैच सही आया है, पर इसकी है ब्रोस थोड़ा तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ आओ, राइडिंग रूडिंग गियर पहन के ऐसे बता जाना मुँह उठा के। तो भाई आपने देखा है अभी जस्ट ये जो ट्रैवलर आता है बिल्कुल ही अब हमारी लाइन में आ गया था, अभी वो रास्ते नहीं बचा, हल्का सा भी टच हो जाता तो तुम्हारा भाई जाता सीधे नीचे, और इतना रिस्की है ऑलमोस्ट लाइक 3-4 किलोमीटर नीचे तक कोई आपको नहीं मिलेगा कुछ भी आपको बचाने वाला, तो वहीं पड़े रहोगे भाई, तो अपना आराम से ही चलना पड़ेगा यहाँ पे। और ऑफ रोडिंग है, अगर जब यहाँ पे पूरा टारमैक का रोड बन जाएगा तो लाइक स्पीड भी आप कंटिन्यूटी बढ़ा सकते हो, तो जल्दी टाइम पर पहुँच जाओगे चांगला पास।
और अभी तो यार स्पीड भी ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हम, लाइक 40, 50, 60 अगर कहीं ज़्यादा अच्छी रोड है, थोड़ा सा रिस्क किया। बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, काम चल रहा है तो लूज़ पत्थर है तो कभी भी कोई आ सकता है, तो अपना आराम से रुक रुक के किसी चीज़ की जल्दीबाजी मत। तो भाई देख सकते हो, एक गलती और काम 25, तो थोड़ा सा देख के करिएगा आराम से, बिल्कुल पेशेंटली चलाइएगा भाई। बाकी वीडियो के नज़ारे देखिए, और वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी हाईलाइट मिस करें, और जो मेन मज़ा है वो रास्ते का ही है। पहाड़ देखो, पत्थर बहुत रिस्की यार। और आगे हमारे चल रहे हैं एक स्कॉर्पियो, और ये अब बहुत ही यार स्टबन, आगे नहीं जाने देगा बिल्कुल भी। और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है भाई, तो अपना हेलमेट का वाइजर करना पड़ेगा हमें डाउन अभी, और उल्टा ही थोड़ा ऑक्सीजन का वो है यहाँ पर, जिंदगी भी काफ़ी हाइट में है ऑल्टीट्यूड यहाँ पर, थोड़ा सांस लेने में भी हल्की फुल्की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप चल रहे हो बाइक में और हेलमेट क्लोज रहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और बाइक भी थोड़ा सा लाइक अभी फील हो रहा है कि पावर कम ले रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम 390 में तो नहीं आ रही है, बट जो 200 में है उसमें थोड़ा इशू आ रहा है। तो देखो आप, जैसे मैं भी यहाँ पर अपने साइड ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर की साइड ही चलने की कोशिश करिए, क्योंकि इधर अगर इनके सब कोई भी सिचुएशन, आपने पैनिक ब्रेकिंग करी तो यार यहाँ पे है ऑफ रोडिंग, और लाइक जैसे कि मिट्टी विट्टी आप ब्रेक मारोगे, बाइक स्लिप आउट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ABS है वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस लेके ही ब्रेकिंग करता है, तो यार थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। सेफ्टी आपको अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बताए दिस इज़ इंडिया, और इंडिया में आपको अपनी ही गारंटी पर चलना पड़ता है, आगे वाले की कोई गारंटी नहीं है, तो अपने तरफ से पूरा प्रिकॉशियस होकर चलना इस रोड पर। बाकी धूल मिट्टी और रोड की कंडीशन तो आप देख रहे हो यार, यहाँ से 50 किलोमीटर तक, और चांगला अभी भी स्टिल लाइक 50+ किलोमीटर बचा है, और हमने सोचा कि RC चला लें यहाँ पर, कि इतन को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा लोड भी इसी बाइक में है, और थोड़ा फील हो रहा है कि बाइक पावर कम ले रही है 200 में तो स्पेशली। RC के मज़े लेंगे हम लद्दाख में। सिटिंग पोस्चर काफ़ी अग्रेसिव है, बाइक चलने में कोई इतना इशू नहीं आ रही है, बाकी जैसे लाइक 150 लोग स्कूटी में भी जा रहे हैं, बट जैसे कि आज का सिटिंग पोस्चर है जो मेन कंसर्न होता हमारा इस राइड पे, सिटिंग पोस्चर, और सामान भी काफ़ी लोडेड इसमें, लाइक हमारा एक्स्ट्रा पेट्रोल और इतना खुद का लगेज भी इसमें ही लोडेड है, तो बाइक लाइक अभी मैं 390 से स्विच करा है, लाइक अभी 200 चला रहे हैं, तो यहाँ पर फील हो रहा है कि बाइक पावर कम ले रही है पर्टिकुलरली अगर लाइक 3rd, 4th, 2nd में भी, क्योंकि 390 तो 1st, 2nd गियर और 4th, 5th आराम से चल रही थी, और बीच में मिल गया हमें रास्ता ब्लॉक, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ये देखो गया, ये गया, अब आदमी बेचारा नीचे, ना जाने कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, बट हमको अभी वेट करना पड़ेगा, अभी ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पर, वी आर ऑलरेडी लेट ऑन टाइम, क्योंकि अंधेर होने से पहले हमें नहीं आओ स्टे में पहुँचना है पैंगोंग। अभी चांगला पास करते हैं क्रॉस, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पर, और आपको अपडेट बताते हैं। मैं तो यहाँ ला सकता है समय ठीक ठाक, छपरियों को ज़्यादा जल्दी हो रही है, क्या कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाली में, हाँ हाँ हाँ, कुतनी खानी दे दो ना एक, हो चुका है सीरियस ऑफ रोड, राइड पे भी हम काफ़ी आ चुके हैं, तो ऑक्सीजन की कमी भी थोड़ी फील हो रही है, जैसे आप देख सकते हो मेरा बोलने का तरीका, सांस लेने का तरीका चेंज हो चुका है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो रहा है ऑक्सीजन लेने में।
क्योंकि जो अब ये रास्ता था भाई, ये पैच पूरा चांगला पास तक बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपको कैमरे में उतना विजिबल नहीं होगा था, बट रोड में भाई इतने गंदे बम्स, इतने बड़े बड़े गड्ढे। कैमरे में GoPro के वाइड एंगल में शूट करता है तो लाइक फ्लैट ही दिखेगा आपको ऑलमोस्ट। बट भाई RC के साथ इस रोड पर चलाना और आपने बैग भी लेके भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है और रिस्की भी है, और आगे से देखते बड़े बड़े ट्रक भी आ रहे हैं तो आपको सारी रोड संभल संभल के काट पीट के जैसे भी रास्ता बनाना होगा। देखो भाई स्कूटी में भी हैं लोग, भाई बहुत डिफ़िकल्ट है RC में, क्योंकि आगे झुक के और पीछे जब लगेज था वो बैग मेरे को आगे की तरफ पुश कर रहा था, बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो रहा था RC चलाने में। तो ईथन के साथ भी यही डिफ़िकल्टी थी, इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर वो ड्यूक चलाकर थोड़ा रेस्ट करेगा। तो चांगला पास पहुँचेंगे हम पहले और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि भाई क्या सीन चल रहा है अभी, और लोग अभी वापसी भी आ रहे हैं। अभी बस जितना जितना ऊपर चल रहे हैं तो टेम्परेचर भी उतना कम होता जा रहा है और बाइक को उतना पुश करने में डिफ़िकल्ट हो, जैसे कि बाइक यहाँ पे हमारे सेकंड थर्ड और फर्स्ट गियर में भी ऐसा लग रहा है कि बाइक फर्स्ट सेकंड गियर में भी ऐसा लग रहा है, बाइक तीसरे चौथे गियर में लाइक बिल्कुल ही पावर नहीं ले पा रही है बाइक, तो इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था यहाँ बाइक के साथ। चूतिया का जिस बंदे ने लद्दाख कर RC में कर लिया तो भाई हेड्स ऑफ, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट था। और ईथन के साथ यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी तो पता चल, मैं बता रहा हूँ आपको बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। और की सेटिंग पुश्तर आ गया और जो मेरा हेलमेट था GoPro के चक्कर से भी हेलमेट बाकी फेस में आ रहा था, तो भाई ये एक और चीज़ मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि GoPro का वेट आ गया था और RC का आपको पोस्चर तो बताइए। और एक दिक्कत है इसमें सिंगल चैनल ABS है, तो जैसे कि Duke 390 में डुअल चैनल ABS है और इसमें सिंगल चैनल ABS, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे में पीछे का ब्रेक दबा रहा था, एकदम टायर का स्लिप मार रहा था। तो आपको अब सीधे पहुँचते हैं चांगला पास और ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं, और सामने देख सकते हो भाई बर्फ़ ही बर्फ और बर्फ ही बर्फ, और वहाँ पे देखो सारे लोग रुके हैं। हम पहुँच चुके हैं चांगला पास और अब दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। तो चलिए मिलते हैं सीधे अब फ़ोन पे सीधे। तो भाई हम पहुँच चुके हैं चांगला 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 पास। देखो भाई बर्फ ही बर्फ हर जगह, बर्फ भी मिलेगी देखने के लिए। सो भाई मैं दीपक और इथन भाई सबसे आगे हैं और हालत देख, ऑफ रोडिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या था ऑफ रोडिंग का लेवल। तो भाई इस ऑफ रोडिंग का लेवल बहुत ज़्यादा, वो तो इथन भाई की फट चुकी थी तो हमने बोला चलो बाइक चेंज कर लेते। सर सीरियसली ऑफ रोडिंग का लेवल है, और जो लोग कहते हैं भाई लद्दाख ईजी है तो एक बार आकर ट्राई कर सकते हैं, चांगला बाबा स्थल और बताते से कुछ डिटेल। यहाँ से उतर रहे हम नीचे चंद्र शीला बाबा जो भी हैं, अगर कमेंट डाउन करो बता तो, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो मैं सभी नट्स पैक आर बाइक्स एंड लेट्स रोल आउट। तो अभी हम यहाँ से उतर रहे हैं पैंगोंग की और चंद ये चांगला पास तो आपने देख ही लिया है। तो अगला एपिसोड जो हमारा आएगा वो आएगा पैंगोंग का रास्ता, होपफुली आपने देखा भाई कितनी बर्फ़ है सामने, तो होपफुली आगे का रास्ता सही हो।